राजनीति के लोगों की भी सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां जनसंघ के नेता हुआ करते थे और अच्छे विचारक हैं नानाजी देशमुख। उन्होंने कहा कि राजनीति के लोगों की भी सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए। भाजपा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के नेताओं के रिटायरमेंट पर दिए गए बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर दिए गए इस बयान ने अन्य नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पुनिया के अनुसार नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र 70 साल कर दी जानी चाहिए और युवा नेताओं को मौका देना चाहिए। पुनिया के सुझाव पर अगर पार्टी विचार करती है तो प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के टिकट कट जाएंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दरअसल भाजपा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने हाल ही में जयपुर में आयोजित टॉक जर्नलिज्म कार्यक्रम के दौरान नेताओं के रिटायरमेंट को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने 50% टिकट युवा चेहरों को देगी। पुनिया ने साथ ही कहा कि अगर नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र 70 साल कर दी जाए तो राजस्थान के कई बड़े नेताओं का सत्ता सुख भोगने का सपना छिन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जनसंघ के नेता हुआ करते थे और अच्छे विचारक हैं नानाजी देशमुख। उन्होंने कहा कि राजनीति के लोगों की भी सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए। तो पूछा किसी ने कितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने तो 65 वर्ष में खुद ने, नानाजी देशमुख ऐसे बिरले व्यक्ति हैं देश की राजनीति में जिन्होंने ये कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए और 65 वर्ष के बाद वो स्वैच्छिक रूप से राजनीति से, सक्रिय राजनीति से अपने आप को सामाजिक कामों में उन्होंने संलग्न कर लिया था। अब मैं ये कहूं कि 65 तो बहुत लोग ये कहेंगे साहब ये थोड़ी कम है, तो मैं नानाजी देशमुख की बात में थोड़ी ऐड कर देता हूं कि 70 साल के बाद में मुझे लगता है कि व्यक्ति को और मार्गदर्शन देना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। या बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, उनकी भी मेरी तरफ निगाहें कि ये क्या कहेगा, तो मैं इस बात पे इत्तेफाक रखता हूँ कि आदमी राजनीति की सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए और सेवानिवृत्ति की आयु से पहले उसकी मंशा होनी चाहिए कि वो नई लीडरशिप को मौका दे और उनको आगे बढ़ने का अवसर दे। इस बयान के बाद प्रदेश में बवाल मच गया। हालांकि पुनिया ने इसे अपनी निजी राय बताया था, भले ही पुनिया ने इसे अपनी निजी राय करार दिया हो, लेकिन अब इसे सियासी गलियारों में प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राजनीतिक करियर से जोड़कर देखा जाने लगा है। आपको बता दें, वसुंधरा राजे अभी 69 बरस की हैं और राज्य में विधानसभा चुनाव अगले साल नवम्बर में होने हैं, लिहाजा तब पूर्व CM 70 बरस की हो जाएंगी। मौजूदा समय में राजस्थान में BJP के सभी 70 विधायक, 24 लोकसभा सांसद, 4 राज्यसभा सांसद और पूर्व विधायकों की उम्र के मुताबिक अगर पुनिया के सुझाव को ध्यान में रखकर टिकट बंटते हैं तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 38 से ज्यादा विधायक और सांसद और पूर्व विधायकों के टिकट कटेंगे। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा 12 विधायक, 5 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद 70 के पार होने वाले हैं। साथ ही 18 पूर्व विधायक और कई विधायक उम्मीदवार भी 70 पार की लाइन में हैं। इस फॉर्मूले से जिन दिग्गज नेताओं पर टिकट का संकट खड़ा हो सकता है, उनमें वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ, वासुदेव देवनानी, नरपत सिंह राजभी, डॉक्टर दयाराम परमार सरीखे बड़े नेता शामिल हैं। वसुंधरा राजे प्रदेश की 2 बार CM रह चुकी हैं। 2018 में मोदी लहर के बावजूद राजस्थान में मिली हार को लेकर BJP के कई नेताओं के निशाने पर अक्सर पूर्व CM राजे ही आ जाती हैं। वहीं BJP में जारी अंतर्कलह पर तो खुद सतीश पुनिया ने ही कोटा में ये मान लिया था कि अगर मैं इसे अस्वीकार कर दूं तो मैं धृतराष्ट्र कहलाऊंगा। अब पुनिया ने ही अपने बयान से जो शिगुफा छोड़ा है, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर प्रदेश में BJP की गुटबाजी और राजे के विरोध के सुर को आवाज जरूर मिल गई है। अपने फ्री टाइम को ATM बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।